अयोध्या जिले में बाढ़ की विभीषिका से बचाव के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इसके लिए जिला प्रशासन की ओर से बैठक भी कर ली गई है, तो वहीं तहसील प्रशासन और अन्य विभागों बाढ़ से बचाव व राहत कार्य के लिए कार्य योजना बनाना शुरू कर दिया गया है। सरयू नदी में बारिश के मौसम में बाढ़ आने की संभावना रहती है। बाढ़ में आसपास के इलाकों में रहने वालों के लिए समस्याएं पैदा होती हैं। तो वहीं जिले में पिछले वर्ष में बाढ़ आई थी, जिसमें गांव के कई इलाकों में काफी धन जन की हानि हुई थी। इसी को देखते हुए इस साल भी जिला प्रशासन बाढ़ से बचाव व राहत कार्य के लिए तैयारियां कर रहा है। जिला अधिकारी नीतीश कुमार ने बताया कि प्रशासन की तरफ से इस साल भी बाढ़ से बचाव और राहत की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। सिंचाई, कृषि, पशुपालन, स्वास्थ्य, विद्युत निगम सहित अन्य विभागों ने कार्य योजना बनाना शुरू कर दिया है। सभी तहसीलों के SDM और तहसीलदार को भ्रमण कर नाव व गोताखोरों सहित अन्य व्यवस्थाओं के लिए निर्देश दिए गए हैं। बाढ़ से बचाव व राहत कार्य के लिए पर्याप्त मात्रा में नाव, गोताखोर आदि की व्यवस्था भी की जा रही है। हम लोगों ने जो अंतर विभागीय बैठक हम लोगों ने कर ली है, और हमारे ADM FR हैं, उसके नोडल हैं, अधिकारी हैं, सिंचाई विभाग और अन्य विभाग जो संबंधित विभाग हैं, तहसील प्रशासन और पुलिस विभाग के द्वारा बैठक हम लोग कर चुके हैं, और उसमें सब चौकियां स्थापित की जा चुकी है। नावों की व्यवस्था भी उसको चिन्हित कर लिया गया है, और जैसे ही बाढ़ की कोई संभावना होगी उसको हम लोग तैयार करेंगे। और हमारे पास जनपद अयोध्या नावों की संख्या काफ़ी अधिक है, जल पुलिस भी हमारे पास उपलब्ध है, और हम लोग अन्य जनपदों की भी अगर नाव की आवश्यकता होती है तो उसको प्रेषित करते हैं। तो सब चिन्हित किया गया है, गोताखोरों की संख्या भी चिन्हित है, और इमरजेंसी कोई भी सिचुएशन आएगा तो उसको हम लोग बेहतर तरीके से निपटेंगे।